हेलो फ्रेंड्स, सितंबर 2016 में हमारे उरी बेस कैंप के कुछ जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, क्योंकि उन्होंने हमारे 19 जवानों को बेरहमी से मार दिया था। एंड इन द रिवर्ट हमें वो करना पड़ा, और उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बहुत से सवाल उठे, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी थी या नहीं हुई थी, या अगर हुई थी तो कैसे हुई थी। तो ये सब के माइंड में चलता रहा। फाइनली आदित्य धर, डायरेक्टर ऑफ द उरी फिल्म, लेके आ रहे हैं अपनी फिल्म के जरिए दैट हाउ दैट सर्जिकल स्ट्राइक टुक प्लेस। और मैं उम्मीद करता हूं जिन जिन लोगों के जो जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, वो आदित्य धर हमें इस फिल्म में दिखाने वाले हैं और देने वाले हैं। चाहे ये फिल्म ही है बट इट्स बेस्ड ऑन दैर रियल इंसिडेंट, तो कुछ ना कुछ रिसर्च इनकी होती है उस फिल्म के ऊपर। ऐसे कुछ फेक कंटेंट नहीं दिखा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म सबको उनके जवाब जरूर देगी। सो फाइनली गाइस, उरी का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। एंड उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म इज गोइंग टू बी रिलीज ऑन 11th January 2019, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि 2019 की पहली सबसे बड़ी फिल्म उरी ही रिलीज होने वाली है। उरी स्टारिंग विकी कौशल, कीर्ति कुलारी, यामी गौतम, परेश रावल एंड मोहित रैना। कीर्ति कुलारी स्पेशल अपीयरेंस में है, बाकी सारे मेन स्टार्स हैं। विकी कौशल का नाम, वैसे तो उनका नाम ही काफी होता है कि क्योंकि ही इज अ राइजिंग स्टार, बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत बढ़िया होती है, जैसे कि मनमर्जियां, संजू, राजी एंड आफ्टर दैट उरी, तो उनकी स्क्रिप्ट सेक्शन में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर इस फिल्म के साथ कुछ भी होता है, आइदर डीप और हिट, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट या श्रेय जाएगा आदित्य धर को, हु इज नॉट ओनली द डेब्यूटेंट डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बट ऑल्सो द स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर ऑफ द फिल्म। तो उनका एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यू है, लेकिन इसके पहले वो एज अ राइटर, डायलॉग राइटर, वो तेज, आक्रोश जैसी फिल्में लिख चुके हैं। लेकिन उरी एक बहुत काफ़ी टाइम से चर्चा में थी फिल्म, इस कंटेंट को लेकर, अपने कंसेप्ट को लेकर, तो ये देखना बहुत बढ़िया होगा। और स्पेशली बैकग्राउंड स्कोर शाश्वत सचदेव का, मैं कहूँगा काबिले तारीफ है। ट्रेलर में ही आप उसकी झलक देख सकते हैं, जो एक उस तरह का माहौल चाहिए होता है बैकग्राउंड स्कोर से एक आर्मी फिल्म का, एक वॉर फिल्म का, वो बखूबी क्रिएट किया गया है ट्रेलर में ही। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बैकग्राउंड स्कोर सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ होने वाला है इस फिल्म की। बाकी स्टारकास्ट भी बहुत बढ़िया है। विकी कौशल और परेश रावल की केमिस्ट्री हम संजू में देख चुके हैं, जो उनका एक सीन था, बहुत भावुक सीन था जब वो आपस में बात करते हैं, और इसके बाद उनकी केमिस्ट्री हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी लेवल की केमिस्ट्री इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी। सो गाइज, आई एम डन विद द उरी ट्रेलर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा देन डू वॉच द ट्रेलर, ट्रेलर बहुत बढ़िया है। वैसे भी इट्स अबाउट दैट सर्जिकल स्ट्राइक, तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी तो है ही, लेकिन देशभक्ति भी बहुत जरूरी है होनी। तो अगर आप लोगों ने ट्रेलर देख चुका है, आपको ट्रेलर कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने नहीं देखा देन डू वॉच द ट्रेलर गाइस, इट्स ऑसम, इट्स इम्पैक्टिंग, इट्स पावरफुल। तो मिलते हैं हमारी अगली किसी वीडियो के साथ, किसी टीजर ट्रेलर रिएक्शन या मूवी के रिव्यू के साथ। देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है देन डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।